विवाद से उबाके बुझाइंदो हलु ईरान जो सदर इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल ते पाकिस्तान जे दौरे ते पहुंची रो है। ईरान जे सदर सा गड संदस घरवारी परडेही वजीर ए बिया काबीना जा मेंबर तोड़े व्यापारन जो वफद भी इंदो। ईरान जो सदर कराची ए लाहौर जो भी दौरो कंदो। इस्लामी जमहूरिया ईरान जो सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी सूमर का पाकिस्तान जो दौरो करे रहो है। ईरान जो सदर इब्राहिम रईसी 24 अप्रैल तक पाकिस्तान में रहंदो। ईरानी सदर से गड सनस घरवारी आला सती वफद भी होंदो। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी से वफद में ईरान जो परदेही वजीर काबीना जा मेंबर आला अमलदार भी शामिल होंदा। जैसे ईरान के सदर से गड एक व्यापारी वफद भी पाकिस्तान पहुंचो। तर्जुमान जो वधिक चवणा है तो दौरे दौरान ईरान जो सदर पाकिस्तान के सदर आसफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, सेनेट के चेयरमैन सैयद यूसुफ रजा गिलानी और कौमी असेंबली के स्पीकर से मुलाकातूँ कंदो। ईरान जो सदर इब्राहिम रईसी लाहौर और कराची जो दौरो भी कंदो, जिते हु सूबाई कयादतुन से भी गालियों कंदो। वाज़े रहे तो आम चूंडन का पोए कहें भी ईरान के सरबराह जो पाकिस्तान जो ही पहरियों दौरो है। बे तरफ पाकिस्तान ईरान गडियल कानूनी मुआवनत जो मुआहदो करने जो फैसलो करे वरतो है। जरियन मुजिब बिन्हीं मुल्कन गडियल कानूनी सहकार जो MOU करने जो भी फैसलो कियो है। वफाकी काबीना ईरान से गडियल कानूनी मुआवनत जो मुआहदो करने की मंजूरी भी दई छड़ी है। जरियन मुजिब काबीना का ईरान से कानूनी तावन की MOU की मंजूरी भी वरती वही है। कानून इंसाफ वाली वजारत की समरी की वफाकी काबीना सर्कुलेशन जरिए मंजूरी दिनी। जरियन मुजिब कानूनी मुआहदे कानूनी MOU ते सयूं ईरान के सदर के दौरे से मुतवक है। पाकिस्तान ईरान सिविल और कमर्शियल मामलों में गडियल कानूनी मुआवनत जो मुआहदो भी कंदा। बे पासे अवा के बुधाइंदा हलु बशाम में चीनी इंजीनियर से काफले ते आपघाती हमले बाबत पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी जी फॉरेंसिक रिपोर्ट में बुधाए वो है त चीनी इंजीनियर की गाड़ी बम प्रूफ न हुई। रिपोर्ट में चयो वो है तो कमांडेंट SSU इंक्वायरी कमेटी सामू जिम्मेवारी न वठण के हवाले से मनो है। डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट ए कमांडेंट स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट सिक्योरिटी लैब्स जो जिम्मेवार हैं। जांच कमेटी की रिपोर्ट मूजिब CTD खबर पख्तूनख्वा की रिपोर्ट भी मिली चुकी है जैं मूजिब गाड़ी बुलेट प्रूफ न हुई। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध में बार एसोसिएशन से नवन चूंडियल अहदेदारन के वाधायो दिनो। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी में प्रखास हाईकोर्ट बार समेत लाड़काड़ो सखर ए शहीद बनजीराबाद के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के कामयाब उम्मीदवारन के वाधायो दिनो। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में प्रखास के सदर अली हसन चांडियो ए जनरल सेक्रेटरी अजीज लगारी समेत समूरन नवन चूंडियल उम्मीदवारन के मुबारकबाद दिनी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सिखर के सदर नवीद अहमद शाह ए जनरल सेक्रेटरी सुंदर खान समेत समूरन उम्मीदवारन के बिना मुकाबले चूंडण ते वाधायो दिनो। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लाड़काड़े के नए चूंडियल सदर हबीबुल्ला गोरी ए जनरल सेक्रेटरी कामरान गोरड़ समेत समूरन उम्मीदवारन के मुबारकू दिनो। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शहीद बनजीराबाद के सदर अली रजा चन्ना ए जनरल सेक्रेटरी नई मंगी समेत नवन चूंडियल सभी उम्मीदवारन के भी वाधायो दिनो। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स लॉयर्स फोरम सिंध के बार के चूंडन में नुमाया कारकर्दगी ते शाबाश दिनी ए चयो त नवा चूंडल अहदेदार वकील बिरादरी के मसलन के हल ए बेहतरी लाए पंजू जिम्मेवारियों निभाईंदा। पीपी चेयरमैन चयो त यकीन है त नवन चूंडल अहदेदारन की कयादत में वकील बिरादरी मुल्क में आइन ए कानून की हुक्मरानी तोड़े जमहूरिया की मजबूती लाए जदोजहद में भरपूर किरदार अदा कंदी। सिंध के घरू वजीर जियाउल हसन लंजार सजे सूबे में सिक्योरिटी हाई अलर्ट जारी कर छो। घरू वजीर जियाउल हसन लंजार है तो मस्जिदों इमाम बारगाहन ए बेन हंधन से सिक्योरिटी फुल प्रूफ बढ़ाई वे। सूबाई घरू वजीर हिदायत की तो स्नैप चेकिंग पिकटिंग ए पेट्रोलिंग से खास ध्यान दिनों वे कम्युनिकेशन हिकमत अमली के असरायतो बढ़ाया वे। घरू वजीर जियाउल हसन लंजार तो SSPs DSPs फील्ड में अचन SHO सिक्योरिटी कदमन में अलर्ट रहन। सूबाई वजीर तो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के नुमाया रखंदे एक बे सा राबतन के यकीनी बनायो वने। विवासे अवा के बुधाइंदा हलु लाहौर में सिंध वासी कैडर्स पारा एहतजाज के वे कैडर्स जो चवड़ा है तखेन बिना के सबब जे हिरासा के पे वने। पंजाब कैडर्स के बेदखल के वे है एहतजाज दौरान पंजाब पुलिस पारा लठबाजी भी कई वही। सिंध सरकार मामले जो नोटिस वठी इंसाफ करे। लाहौर में PDMA जे वर्कशॉप फायर एंड रेस्क्यू 1122 जी तरबियत ते वियल सिंध जे नौजवानन ए न्याणियुनि खे मुबैना तौर इंतज़ामिया पारां हिरासां करे 50 शागिर्दनि खे बेदख़ल कयो वियो आहे। पंजाब पुलिस पारां एहतियात कंदड़ नौजवाननि ते
लठबाजी पिण कई वही। लाहौर के ठाकुर न्याज 1122 ट्रेनिंग अकेडमी में चीफ कमांडर तारक न्याजी तोड़े एमरजेंसी आफिसर सज्जादाराई तैमूर अली इमरान बे अमले पारा लाड़काने कश्मोर कंदकोट दादू बेन जिलों का तरबियत हासिल कर पहतल कैडेट से बदखलाकी खेन बिलाजवाज तंग करने खिलाफ अकेडमी आडो एहतियाज किया वो। कैडेट्स सोहेल मंगी वाजिद महेसर फयाज उमरानी दोदो शाह बेन एहतियाज कदे तरबियत रहायश दौरान नौजवान लाड़काने वासी न्याणियों के तंग कर हिरासा किया पो वे। 50 नौजवान के बिलाजवाज बेदखल पिण है। एहतियात कदड़ चवण है तो सिंध के नौजवान के हथ वी आउट कर पंजाब के मांग के सिंध के सीटों से मुकर कर सिफारिश कई पी वे। जिन ट्रेनिंग मर्कज अंदर न्याणियों नौजवान के यर्गमाल बनाए वो है। एहतियात करते पंजाब पुलिस पारा लठबाजी पिण कई वही। होडा PDMA के फायर एंड रेस्क्यू बाबत सिंध के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन शेख सिंधवासी नौजवान के एहतियात की तस्दीक कदे तो बिलाजवाज तंग करण वे मामले को संजीदह नोटिस वरतो पो वे नौजवान की मालकी कई वी। DGA जो चवण तो यो प्रोटोकॉल तरबियती मर्कज वन है जी तरबियत दौरान फेल थियन था उन्होंने के वापस मान्य वे तो तरबियत हासिल कदड़न से नाइंसाफी थे न डनी वी। बे पास हवा के बुदाइंदा हलू खानपुर वेझो पुलिस ऑपरेशन दौरान इनाम रखल एक दुहारी मारजी वो एक जख्मी थी पो। मुख्तलिफ थाणन की पुलिस पारा गढ़ी तेगोजे कच्चे वाले इलाके में दुहारन खिलाफ ऑपरेशन किया वो। ऑपरेशन दौरान इनाम रखल दुहारी SP तेगाड़ी मारजी वो जडे त नवाब तेगाड़ी जख्मी थी पो। पुलिस जो चवण है मारजी वाल दुहारी SP तेगाड़ी की सिर की कीमत 20 लाख रुपया रखल हुई। पुलिस जो चवण है दुहारन से मुकाबलो जारी है। पुलिस की नफरी तलब कई वही है। इलाके में चौबोल हैं तेगाड़ी बिरादरी के बिन धुरन विच में कारे तकरार था जेड़े दौरान फायरिंग की डेवट में दुहारी SP तेगाड़ी मारजी वो। बेबास हवा के बुदाइंदा हलू सिंध के मुख्तलिफ शहर में संगरार में अगवा थल नींगरी प्रिया कुमारी की बाजियाबी लाए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। लाड़काणो खैरपुर नवाबशाह राधन थरड़ी मोहब्बत कक्कड़ सीता रोड उरेरो लाल शहदादपुर बेन शहर में प्रिया कुमारी की बाजियाबी लाए एहतजाजी मुजाहरा कर धरना हया गया। नवाबशाह में भी प्रिया कुमारी की बाजियाबी लाए सिंधी अदबी सिंगर के मरकजी सर से सत्तार सुंदर बख्शल बागी मुनवर सराज सागर बिलावल प्रेम पिताफी बेन की अगवाड़ी में एहतजाजी रैली कढ़ी वही। खैरपुर में नींगरी प्रिया कुमारी की बाजियाबी लाए समाजी तंजीम सिविल सोसाइटी पारा शौकत नूनारी साबिर हुसैन महेसर खान मोहम्मद सोलंगी शाइस्ता बलोच शहनाज शेख अब्दुल मजीद मेतलो बेन की अगवाड़ी में एहतजाजी रैली कढ़ी वही। नुशरु फिरोज में नींगरी प्रिया कुमारी की बाजियाबी लाए सिंधी अदबी संगत के मरकजी सदर से जाहिद राज पर मजर खास खेली महरम चना मुर्तजा टगर सुहेल अहमद मंगी बेन की अगवाड़ी में एहतजाजी मुजाहरों किया वो। राधड़ में संगरार में अगवा थियल प्रिया कुमारी की बाजियाबी लाए जीए सिंध महाज सिंधी अदबी संगत पारा साई फैजुल्ला जुड़े जो अब्दुल हमीद लाशारी मेराड़ शाह मुमताज अली लाखेर बेन की अगवाणी में रैली कढ़ी वही। उन मौके से अगवाणन चयो तो 3 साल अग संगरार में न्याणी प्रिया कुमारी के अगवा किया वो हो जैसे अना ताई बाजियाब ना कराए वो। उन्होंने तो मासूम न्याणी प्रिया कुमारी समेत बियूं केतर ही न्याणी गुजरल केतरन ही अरसे खा वडेरन सरदार की कैद में आन पर हुकूमत बेन चूंडियल नुमाइंदन संदस बाजियाबी लाए को भी तहरुक न वरतो है। उन्होंने मुतालबो किया तो प्रिया कुमारी के जल्द बाजियाब कराए वारसन में छायल बेचैनी खत्म कई वे। शिकारपुर पुलिस कच्चे वे इलाके में मुबैना मुकाबले बाद बिन मुकविन के बाजियाब कराने की दावा कई। पुलिस जो चवण है तो गढ़ी तेगो वे इलाके में मुकविन की बाजियाबी लाए दुहारन खिलाफ ऑपरेशन किया वो। पुलिस जो चवण है तो ऑपरेशन दौरान मुकवी इमरान पहोड़ चनेसर पहोड़ के बाजियाब कराया वो। वाजे रहे तो एक महीनों अग हथियारबंद बिन्हीं मुकविन के करमपुरी लाड़े वटा अगवा करे वा हुआ। बेपासे सरहाड़ी में पुरस्कार नमूने गुम थी वल नींगर जो टे ढी गुजरण बावजूद को भी दस पत्तो न पो वारिसन पारा अगवा जो शक जाहिर किया वो। गोठ रमजान डाहरी के रवासी टे ढी अग स्कूल वेंदे पुरस्कार नमूने गुम थी वल नींगर जो को भी दस पत्तो ना पो वारिसन जो चवण है तो गोला बावजूद नींगर जो को भी दस पत्तो ना पो। नींगर के सेके की बीमारी है जो घड़ो वक्त पंध नो कर सके शक है तो खेस अगवा किया वो है। उन्होंने इख्तियारन का मुतालबो किया तो मामले जो नोटिस वी नींगर की गोला में मदद कई वे। रोहिड़ी में एक्साइज पुलिस कार्रवाई दौरान एक मंशियात विक्रो कंदड़ के गिरफ्तार कर संदस कब्जे में मंशियात हथ कर दावा कई। एक्साइज पुलिस हॉकी ग्राउंड भरसा मंशियात के अड्डे से छापो हणी एक जवाबदार के गिरफ्तार कर वरतो। एक्साइज पुलिस जो चवण है गिरफ्तार जवाबदार के कब्जे में 200 ग्राम हीरोइन 250 ग्राम चर्स हथ किया वो है। एक्साइज पुलिस मूजिब गिरफ्तार जवाबदार खिलाफ मंशियात एक्ट तहत केस दाखिल किया वो है। जवाबदार मथा मंशियात
एक्ट तहत केस दाखिल किया। बेवासे कराची में अगूणे वफाकी वजीर मुर्तजा जतोई खिलाफ़ केस दाखिल करण इस अंदर से घर से पुलिस चढ़ाई खिलाफ़ एन पी पी पारा एहतजाजी मुजाहरों के एन पी पी के कारकुनन पारा लाल शर रफीक मलिक बेन की अगवाई में प्रेस क्लब वालों एहतजाजी मुजाहरों कर धरड़ो है वो एहतजाज कदड़न जो चवण हो तो एन पी पी के चेयरमैन मुर्तजा जतोई के सियासी इंतकाम जो निशानों बनाए पे वे उन्होंने आला इख्तियारों का मुतालबो किया तो पार्टी चेयरमैन मुर्तजा जतोई जे दाखिल केस खत्म क्या वन भी सूरत में एहतजाज जो दायरो बढ़ाया वो बेबासे हवा के बुदाइंदा हलू कंडियारों में ऑल पार्टीज अलायंस पारा आबादगारन के बारदाणो न मिलने खिलाफ़ एहतजाजी मुजाहरों के वो कारकुनन पारा मौलवी रमजान खास के लिए दिलनवास मंगरियो जफर खोसू अनवर सोलंगी बेन की अगवाणी में ठारू शाह लिंक रोड से मुजाहरों के वो एहतजाज कंदड़न जो चवण हो तो आबादगारन सा वो जुलम किया पे वे फूड इंचार्ज आबादगारन के बारदाणो दियण बदरा पेसन एवज व्यापारियों के बारदाणो विक्रो कर रो है उन्होंने मुतालबो किया तो आबादगारन के बारदाणो दियारे फूड इंचार्ज खिलाफ़ कदम खो वे बी सूरत में सख्त एहतजाज किया वो मीरपुर भठोरों में आई बी ए टेस्ट पास उम्मीदवार पारा मुतालबन की मजदाला एहतजाजी मुजाहरों के वो उम्मीदवार पारा वहीद हैदर जहूर ताहिर हशाम सूमरो वकार लगारी माशू कांधड़ो बकादर जुनेद मेमण बेन की अगवाणी में बैंक चौक का प्रेस क्लब तय एहतजाजी रैली कढ़ी वही उन मौके से अगवाण किया तो आई बी ए टेस्ट पास उम्मीदवार के ऑफर ऑर्डर दिना वन पर खेन अना तई ज्वाइनिंग न पई दिनी वे उन्होंने आला इख्तियारों का मुतालबो किया तो मामले जो नोटिस वी आई बी ए टेस्ट पास उम्मीदवार पोस्टिंग ऑर्डर जारी किया वन वेलकम बे कवा के बुदाइंदा हलू पने आकिल में बासरन के मुबैना तौर जमीन के कब्जे की कोशिश खिलाफ़ गोठाणन पारा एहतजाजी मुजाहरों के वो गोठ अब्दुल्ला कलोड़ो के रवासिन पारा रशीद कलोड़ो रफीक कलोड़ो बेन की अगवाड़ी में एहतजाजी मुजाहरों के वो एहतजाज कंदड़न जो चवण हो तो बासर पुलिस की मदद से गोठाणे रफीक रशीद कलोड़ो की जमीन के कब्जे की कोशिश कई उन्होंने आला इख्तियारों का मुतालबो किया तो मामले जो नोटिस वी बासर संदस सहूलतकार पुलिस अहलकार खिलाफ़ कार्रवाई कई वे बेबासे हवा के बुदाइंदा हलू सन शहर में गैर कानूनी कब्जन भत्तेखोरी खिलाफ सियासी कारकुनन शहर रैली कढ़ी छछर थाने अग्या एहतजाजी मुजाहरों करे धरड़ो है उन्हीं हवाले सा रिपोर्ट करे रो है सागर सोलंगी। कब्जागिरी शहरन की खूबसूरती की दुश्मन है तो भत्ताखोरी अमुन के तबाह कंदर नफरतन के जन्म दींदड़ अमल है। सन शहर इन वक्त कब्जा माफिया के निशाने ते आए जेके सरयाम शहर की घिटिन रोडन रस्तन ते कब्जा करे शहर की सूह के तबाह कर रहा है तो कुछ नाम निहाद भत्ताखोर शहर के अमुन जा वेरी बन गया जैसे कर शहरी सख्त परेशान आन सन शहर ज मुख्तलिफ सियासी समाजी अगवाण तरफा सन शहर में थन्दड़ गैर कानूनी कब्जन तोड़े भत्ताखोरी खिलाफ एहतजाजी रैली कढ़ी वही जहाँ सन शहर के मुख्तलिफ रोडन रस्तन जो गश्त कदी छछर हेठ सन थाने अग्न पौती जिते अगवाण कब्जा माफिया भत्ताखोरी खिलाफ सख्त नारेबाजी कई। काफ़ी अरसे का सन शहर में प्लाटन से कब्जा खोरू थन पनखा सन वासन से ढाडियं नाइंसाफियों नाजायजू थन पं जैसे खिलाफ़ अस सोशल मीडिया से जो कब्जा थन पाया उनके खिलाफ़ आवाज़ उतारो जैसे कुछ मू अज अची हथियार के जोर से धमकियों दई वह तो असा तो लडा खणाए छींदी तू सोशल मीडिया से जो सो आवाज़ बुलंद न कर ये न कर अगर जे मना जो तो ये कई हरकतू जे तो आवाज़ उथारो सन वासन ला सन के मान ला अगर जो तो आवाज़ उथारो तो यो आवाज़ असा दबाण अचे तो इन किस्म जो धमकियों असा दई वह लडाण जो भी धमकियों दियन पा तो हाँ तक लडाई आवाज़ के दबाण लाए असो ही दीवान है सन में बया तो काफ़ी सारा घर लडे व पर ही आखिरी हाँ घर बचो आ दीवानन जो इनके अकेलो समझी करे धमकायो तो उन्हें हथियार के जोर से इनके धमकियों दिन व्यून तो असि मारींदासूँ तोखे असि लडाईंदासी सो इन के खिलाफ़ अस सख्त लफ्जन में मुज़म्मत था क्यों अस अपील था क्यों सी एम सिंध सैयद मुराद अली शाह बादशाह के अस आई जी सिंध के अपील था क्यों अस डी आई जी साहब हैदराबाद के अपील था क्यों एस एस पी जामशोरों के अपील था क्यों डीएसपी आमरी के अपील था क्यों एस एच ओ छछर के अपील था क्यों तो फौरी तौर से उन मानू के गिरफ्तार कर दीवान से इंसाफ किया अस अकेलेदार के उ बराबर ये हक है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट उन्होंने दिनान उनको उनको सो हथियार खड़ी उन दुकान से वही उनके सो हरासा उनके सो चवन पे मारी तक लडाई या किथा जी ना इंसाफ़ी आ सन के शहर में घटन से कब्जा गरीबन के धमकियों उनका झेड़ा या गुंडागर्दी बंद कई वही इन जला अस अपील था क्यों आई जी डी आई जी के
जो नोटिस वे इनके गिरफ्तार किया। एतजाज कदड़ मुतालबो किया दीवान अमित कुमार के धमकियो दींदड़ तोड़े सन शहर के प्लाटन घिटिन से कब्जा कदड़ भत्ताखोर खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे कब्जा खत्म क्या वन दीवान अमित कुमार से इंसाफ किया वे। इतने जरूरत उन गाल जी आहे त नासूर बनजंदड़ कब्जागिरी ए भत्ताखोरी के बुंजो दिनों वे जी शहर की खूबसूरती अमन बरकरार रही सके। सागर सोलंकी आवाज टीवी न्यूज सन। बेवासे फलस्तीनी मजामती तहरीक हमास के अगवा इस्माइल हानिया तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दगान से मुलाकात कई। तुर्किया मीडिया मूजिब इन्हीं अगवा की मुलाकात इस्तंबुल सदारती ऑफिस के बंद कमरे में थी। तुर्क सदर पेरिया ही मीडिया के बुधाए चुको हो तो मुलाकात की एजेंडा इस्माइल हानिया ही संदस विच में रहंदी। मुलाकात में फलस्तीनी सरजमीन खास तौर गजापट्टी में इसराइली वेशियाण हमलन तीम ख्यालन जी डेवट कई वही। रजब तैयब अर्दगान शयो तो मौजूदा सूरत हाल में फलस्तीनन विच में इतिहाद इतिफाके राय एंटर आहे। तुर्किया इसराइल ते व्यापार समेत केतरी ही पाबंदियों मढ़ियो। होन शयो तो इसराइल के एक डीह फलस्तीनन ते जुल्मन जी वड़ी कीमत अदा करनी पवंदी। फलस्तीनन के इंसानी इमदाद मोकलन जो सिलसिलो जारी रहंदो। अमेरिकी एवान नुमाइंदगान इसराइल लाए $26 अरब के हंगामी इमदाद जो बिल मंजूर करे वरतो। परडे ही खबरों इदारे मूजिब अमेरिकी एवान नुमाइंदगान मजमुई तौर $95 अरब की परडे ही इमदाद जो बिल मंजूर कयो। अमेरिकी एवान नुमाइंदगान यूक्रेन की इमदाद लाए $61 अरब जो बिल मंजूर किया तो जी रूस खिलाफ दिफा में मदद मिली सके। इसराइल के हंगामी इमदाद जो बिल मंजूर किया वो जै तहत इसराइल के $26 अरब फराहम कया वा। इसराइली मीडिया मूजिब अमेरिकी इमदाद में $14 अरब की फौजी इमदाद पिण शामिल है। परडेही खबरों इदारे मूजिब बाकी $8 अरब बेन अमेरिकी इतिहादन की इमदाद लाए मंजूर किया वह। अमेरिकी एवान नुमाइंदगान मां मंजूर थियल बिल हाँ मंजूरी लाए सैनेट में पेश किया वो। रिपोर्ट मूजिब अमेरिका इसराइल के हर साल 8 अरब डॉलर की फौजी इमदाद फराहम कंदो आहे। गजा जंग शुरू थियण खां पोए अमेरिका पारा इसराइल की माली फौजी इमदाद में वाध कई वई। बे पासे टेस्ला के सरबरा एक्स कंपनी के बानी दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क भारत जो दौरों मुलतवी किया है। इन से गडोगड कारण भी बुधाए छो। एलोन मस्क पंजे एक्स अकाउंट से एक पैगाम जारी कदे तस्दीक कई तो हु फिलहाल भारत जो दौरों न पो करे। एलोन मस्क कारण बुधाए चयो तो हुन ते टेस्ला जी वड़ी जिम्मेवारी अची वही है। हलंदड़ साल के आखिर में भारत जो दौरों कंदो। वाज़े रहे तो एलोन मस्क के 21 अप्रैल से बिन दिन लाए भारत के दौरे से पहुंचणो हो। बेबासे हवा के बुधाइंदा हलूँ जापान के ब फौजी हेलीकॉप्टर समुंड में किरी तबाह थी वया जे सबब एक जड़ो 4 ते 7 जड़ा लापता हैं। इम्कानी तौर से बई जहाज पान में टकराजी वया हुआ। सेल्फ डिफेंस फोर्स के तर्जुमान मूजिब हादसों छंछर से पेश आयो। हादसे का पोए एक शख्स के रेस्क्यू किया वो जडे त बाद में संदस मौत की तस्दीक कई वही। जापानी दिफा वाले वजीर मनोरो केहारा चयो है त इमदादी कारकुनन समुंड में जहाज जो हिस्सो डिठो ए असा के यकीन है त बई हेलीकॉप्टर किरी तबाह थी वया है। अफ्रीकी मुल्क विच अफ्रीका में बेड़ी ऊंधी थियण सबब 58 जड़ा अजल जो शिकार थी वया। बेड़ी में गुंजाइश का वधिक 300 मुसाफिर सवार हुआ। हादसों राजधानी बेंगोई में पेश आयो। बेड़ी बेंगोई का 45 किलोमीटर परे मोकोलो में गोठ के एक सरदार के जनाजे में वनी रहा हुआ। अखियों डिठन शाहिदन मूजिब बेड़ी में गुंजाइश का वधिक 300 मुसाफिर सवार हुआ। केतरा ही माण्हू जाय न हुजण सबब बेड़ी के किनारन ते बीठा हुआ। रेस्क्यू अमलदारन मूजिब 58 जणन जा लाश कढ़िया वया हैं। पानी में बुड़ी वेलन के कुल अंग जो पतो नाहे पे जी सको। रेस्क्यू अमलो 40 मिंटन का पोए पहुतो हो। फोतिन में मर्दन औरतन का सिवाय बार भी शामिल हैं। कुछ माण के मकामी माण फौरी तौर से बचाए वरतो हो जडे त केतरा ही माण लापता हैं। हवा के बुधाइंदा हलूँ दुबई में थियल कराटे कॉम्बैट मुकाबलन में पाकिस्तानी फाइटर्स छायल आहिन। पाकिस्तानी फाइटर्स शाज़ेब रिंद ए अली रिजवान भारतीय मुखालिफन के पहरे ही राउंड में शिकस्त दे छड़ी। बे उलूमी क्रीम करीम की जाए ते वड़ंदड़ फैजान खान भारतीय मुखालिफ हथा हाराए वो। तकरीब की पहली शुरुआत में पहरे राउंड में ही रिजवान अली सोलाई सा भारत के पवन गुप्ता के नॉक आउट कर छो। बे राउंड में उलूमी करीम की जाए ते वड़ंदड़ फैजान खान भारतीय मुखालिफ हिमांशु कौशिक खां हाराए वो। टे राउंड में शाज़ेब रिंद जो मुकाबलो भारत के राणा सिंह से थो। मैच की शुरुआत में ही शाज़ेब रिंद मुखालिफ रांदीगर से मुकंजो वस्कारो लाए दिनों जैसे भारतीय रांदीगर पोए ते हटी वो। नेट हुन भारत के राणा सिंह के पेरे ही राउंड में नॉकआउट कर छो। अड़ी रीत पाकिस्तान भारत के ब एक सा शिकस्त दे छी। त
तकरीब में मौजूद भारतीय सुपरस्टार सलमान खान और शाहजेब रिंद के मुबारक डिनियो फतेह ते शाहजेब रिंद पाकिस्तानी झंडो भी फड़कायो। इन अग पाकिस्तानी शाहजेब रिंद भारतीय रांदीगर राणा सिंह स्टेज से मौजूद हुआ। उन दौरान शाहजेब रिंद भारतीय मुखालिफ के चमाट वहाए कढ़ी जो वीडियो सोशल मीडिया से वायरल थी हुई।